पांडे, माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में आपका स्वागत है। आज गाइस लॉकडाउन का आज 11वां दिन चल रहा है और घर में बैठे बैठे थोड़ा सा बोरियत तो आ ही रही है, पर उतनी भी नहीं आ रही है क्योंकि घर में खाना पीना हमारा सामान ही चल ही रहा है और थोड़ा सामान का एडजस्टिंग भी करना पड़ रहा है। तो आज हमारा विचार है कि आज नाश्ते में सुबह जो है एक टमाटर प्याज का पराठा बनाया जाए, और टमाटर प्याज का पराठा बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है, बहुत ही बढ़िया। और उसमें क्या क्या आइटम डलता है और क्या क्या आइटम उसमें पड़ता है, कैसे बनता है, वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो चलते हैं किचन की ओर और मैं आपको दिखाता हूँ कि टमाटर प्याज का पराठा कैसे बनता है। सडनली मैं अपने किचन की ओर आ चुका हूँ और सामान की तैयारी हो रही है और टमाटर प्याज कट रहा है और मैं थोड़ा सा आटा गूंद लेता हूँ क्योंकि इसका आटा थोड़ा स्पेशल गूंदा जाता है। तो मैं आटा गूंदता हूँ और आटे में क्या क्या आइटम पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ और आप देखिएगा कैसे बनता है। चलते हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये है हमारा आटा और इतना आटा लेना है, मेरे को ज़्यादा पराठा नहीं बनाना है, केवल 4 पराठा बनाना है। तो 4 पराठा के लिए हमारे पास ये आटा काफ़ी है और इसमें भी बच जाएगा क्योंकि हम हैं घर में 4 लोग, तो हम एक एक पराठे का नाश्ता करेंगे क्योंकि पराठा जो है ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि हैवी होता है। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। ये अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, अजवाइन थोड़ा अच्छा होता है। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देता हूँ, ये है नमक, तो इसमें हमने ये थोड़ा नमक डाल दिया। नमक की मात्रा कम ही डालना है क्योंकि अभी फिर टमाटर प्याज जब भुनेंगे तो उसमें भी नमक पड़ता है। और थोड़ा सा इसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ये मिर्ची रखेंगे, लाल मिर्च हल्का सा, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च को मोटा पीस के भून के डाल भी सकते हैं, उससे स्वाद कुछ और ही आता है। और 2 या 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें घी, और घी होनी चाहिए शुद्ध देसी घी होनी चाहिए, तो घी का थोड़ा टेस्ट इसमें अलग ही आएगा और बहुत ही सुंदर टेस्ट आता है घी से। 2 चम्मच डाल चुका हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 चम्मच और डाल देता हूँ, मन नहीं मान रहा है। तो ये हमने सडनली ये डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि इस आटे को हमने भून लेना है, तो मैं इस आटे को थोड़ा सा इसको पहले इसको मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा फिर गूंद लेता हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा गूंद लूँगा। और आटा जो हमने गूंदना है वो ना ज़्यादा टाइट गूंदना है और ना ही हमने इसको ज़्यादा ढीला गूंदना है। तो आटा हमने मैक्सिमम कम से कम मीडियम साइज़ का गूंदना है और ना ही हमने इसको ढीला गूंदना है ना ही हमने इसको, तो 5 मिनट करीब मेरे को इसको नहीं जाएगी, लगभग गूंद चुका है। और इसको हम अभी थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को आटा गूंदने में बहुत से बहुत 20 मिनट लग चुके हैं, आटा हो चुका है। इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा और तब तक मैं अपना हरी मिर्च अगर भर के वो तैयारी करता हूँ, और इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों हमारे आइटम हो चुके हैं तैयार। 1 कटोरा चाहिए प्याज कटा हुआ, 1 कटोरा चाहिए टमाटर कटा हुआ, और 2 स्पून चाहिए बेसन, और थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच या 1/2 चम्मच, और 2 हरी मिर्च कटी हुई, और 1 कटोरा चाहिए हरा धनिया कटा हुआ। और ऑलरेडी आटा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम पराठा बनाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा हम इसमें तड़का लगाएंगे, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और चलते हैं किचन की ओर और आपको दिखाता हूँ कि मैं ये तड़का कैसे लगाता हूँ। और चलते, इसमें ऑलरेडी हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम देंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ऑयल का हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना है ऑयल, ताकि थोड़ा सा प्याज वो हल्का सा फ्राई हो जाए। तो ऑयल मैंने इतना डाल दिया है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मेरे से थोड़ा सा गलती हो गई है कि प्याज और टमाटर कुछ ज़्यादा कट चुके हैं,
चलो कोई बात नहीं, काम आ जाएगा, बाद में काम आ जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इसमें तेल डाल दिया है, अब मैं इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगा। तो जीरे का तड़का इसमें जरूरी है। इतना इसमें जीरा रखूंगा, तो ये जीरा मतलब कम ज़्यादा हो गया, कम कम कर दिया, तो थोड़ा जीरे का तड़का मारने में भी सही होता है। ये जीरे का तड़का लग चुका है। जीरे के साथ साथ हम जो है इसमें ये हरी मिर्च और लहसुन का वो डाल देंगे। लहसुन भी बारीक कटा हुआ है, हरी मिर्च और लहसुन, तो ये हमने इसमें डाल देना है। और उसके बाद फिर मैं इसको रखूँगा फ्रिज से। ये हमने इसको पका, हल्का सा कलर छोड़ने लग गया है, मतलब ये कि ये ब्राउन सा होने लग गया है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है, थोड़ा ब्राउन सा हो जाए तो उसका स्वाद अलग ही आता है, क्रिस्पी स्वाद आता है इसका। तो लहसुन जो है अपना स्वाद छोड़ता है पराठे में, तो ये बहुत ही मस्त पराठा बनता है इससे। आप एक बार बनाइए, खा के देखना कितना बढ़िया है। मतलब ये कि भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें डालना है लहसुन का पेस्ट, भूख तो ख़त्म हो जाएगी पर मन नहीं भरेगा, भूख ख़त्म मन नहीं भरेगा। अब इसमें डाल देंगे इसमें थोड़ा प्याज, प्याज में से ज़्यादा कट गया है तो मैं थोड़ा सा डाल ही देता हूँ, बना ही देता हूँ, काम आ जाएगा। गल जाएगा और रात पक जाएगा, तो दो मिनट के लिए हमने इसमें ढक्कन मार दिया है, केवल मात्र दो मिनट, ढाई मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको देख लेता हूँ एक बार ये कैसा हो गया है। लगभग खुशबू तो आ गई है कि ये बन चुका है, तो ये जो है हमारा हो चुका है। और अब हमें इसमें एक चीज़ और डालना है, वो है बेसन। बेसन से थोड़ा सा ये पकड़ में आ जाएगा और रोटी के अंदर थोड़ा सा हो जाएगा। तो बेसन हमने डालना है इसमें केवल मात्र दो चम्मच बेसन से थोड़ा स्वाद और अच्छा स्वाद बन जाता है इसमें। और अगर जो कोई लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर कोई जो लोग बेसन नहीं डालना चाहें तो वो नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये दो चम्मच मैंने बेसन इसमें रखा हुआ है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और अब मैं इसको इसमें जो है मिक्स कर दूँगा ताकि ये वो हो जाए।
तो 10 मिनट के लिए मात्र आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ऑलरेडी हमारा मसाला तैयार हो चुका है और तो गाइस ऑलरेडी हमारा मसाला हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको पराठा बना के दिखाता हूँ कि पराठा इसका कितना बढ़िया क्रिस्पी एंड टेस्टी, बहुत बढ़िया। ये पराठा ऐसा बनता है कि पेट तो आपको खाते खाते पेट भर जाएगा पर आपका मन नहीं भरेगा, मन यही कहेगा हमेशा कि और पराठा देना, खाने तक दो तो अच्छा ही होता। तो ये ऐसा पराठा बनाने जा रहा हूँ जो कि आपको पसंद आएगा और बहुत बढ़िया। बाकी अभी मैं बनाता हूँ 10 मिनट के बाद। ऑलरेडी गाइस जो मसाला बनाया था वो तैयार हो चुका है। अब मैंने तवा गैस पर रख चुका हूँ हल्के आँच में और इसमें हल्का सा मैं ऑयल डालूँगा, इसको फैला दूँगा। उसके बाद मैं पराठा बनाना स्टार्ट करूँगा और फिर मैं आपको पराठा बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पराठा का मसाला ये देखो मैंने तैयार कर चुका हूँ। ये मेरा यहाँ पर सब चीज़ ऑल चीज़ ऑलरेडी रेडी है और ये मसाला है और ये आटा है, ये वो है। और मैं आपको जो है अब पराठा बना के दिखाता कि आटा जो है ना ज़्यादा नरम होने चाहिए ना ही ज़्यादा कड़क होने चाहिए। तो आटा जो है मेरा ये बहुत ही सॉफ्ट है और इससे पराठा बहुत बढ़िया बनते हैं। और आपको पराठा लजीज इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो घी पड़ा हुआ है तो वो घी जो है इस पराठे को जो है थोड़ा क्रिस्पी बना देगा और थोड़ा स्वाद बना देगा अच्छा सा। तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ पराठा कैसे बनता है। इसको इस तरह थोड़ा सा बेल लेते हैं। बेलने के बाद हल्के हल्के हाथों से, ज्यादा दबाना नहीं है। अब 2 चम्मच आपने इसमें मसाला डाल देना है। एक पराठे में कम से कम 2 चम्मच तो होना ही चाहिए आटे के अनुसार। तो ये आपको तो ज़्यादा दबाएंगे तो फिर पराठा जो है फूट जाएगा। ये तवा फ्राई वन रख दिया है और ये पराठा इसमें डाल दिया है। अब ये पराठा जो है हल्की आंच में पकेगा और बहुत ही क्रिस्प पकेगा, बहुत बढ़िया। अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए कितना शानदार तरह से बना हुआ है, हल्की आंच में बनाना है। अब इसमें हमने हल्का हल्का सा घी लगाना है, ऊपर से घी बहुत कम लगाएं और इसको दबाना मत। अगर इसको दबाएंगे तो हवा निकल जाएगी, तो उसको फूल देना है ताकि ये फूल जाए। तो हल्के हल्के हाथ से इसको आप घी लगा सकते हैं। पलट के देखो कितना क्रिस्पी है, जो आटे में घी डालता है सब उसका कमाल है ये। और ये क्रिस्पी और क्रिस्प बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा, शानदार। आप देखते रहिए, पराठा हमारा तैयार हो चुका है। मजा आ गया, आपके पेट भर जाएगा लेकिन इसको खाने में आपका मन नहीं भरेगा। ये इतना बढ़िया क्रिस्पी और टेस्टी हो रहा है कि क्या बताऊँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप बनाएंगे और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और जो अभी नए सब्सक्राइबर इसमें आए, जो नए लोग इसमें देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। टिल देन
गुड बाय।